पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार किसानों को मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी देने की बात कह रही है, लेकिन इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार सरकार ने किसानों को जो सब्सिडी देनी थी वो अफसर ही खा गए। दो जिले फरीदकोट और फाजिल्का में ऐसे 1800 के करीब मामले सामने आए हैं, पर अब सरकार ने सारे जिलों की जांच बैठा दी है। पंजाब सरकार को शक है कि इसमें किसानों और कंपनी के साथ साथ अधिकारियों की भी मिलीभगत होने की संभावना है। पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें फरीदकोट और फाजिल्का में ये बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ खेती मशीनें बनाने वाली कंपनियों और अधिकारियों ने जाली कागज बनाकर मशीनों की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर दिखाई है और ये काला कारनामा करके सब्सिडी की बड़ी रकम हेरफेर करके खुर्द-बुर्द कर दी गई। इस संबंध में अब तक 1800 मामलों की पहचान हुई है जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अब सरकार ने सारे जिलों में टीमें भेज दी हैं जो इनकी जांच करेंगी। पंजाब सरकार ने फाजिलका और फरीदकोट के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर को इस संबंध में रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। इस संबंध में उन्होंने 2000 किसानों के घरों में जाकर ये चेक किया कि खेतीबाड़ी की मशीनें दी गई हैं या फिर नहीं, पर ऐसे सिर्फ 200 किसान ही मिले जिनके पास खेतीबाड़ी संबंधित मशीनरी पहुंचाई गई थी। बाकी 1800 किसानों के घर में मशीनें नहीं मिली। अब पंजाब सरकार ने 425 किसानों की जांच करने के लिए कहा है। खेतीबाड़ी विभाग के सूत्रों से पता चला है कि फाजिलका और फरीदकोट में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद विभाग की टीमें जलंधर से जांच के लिए वहां भेजी गई, जो पूरे मामले की तह तक जांच करेंगी। मशीनें खरीदने के लिए सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। वहीं पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि पराली प्रबंधन में हुए घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी हेराफेरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो भी भ्रष्टाचार करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।